हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूके डिलाइट। दोस्तों, ओप्पो पैड 2 कंपनी का अपकमिंग टैबलेट है जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। टैबलेट सेगमेंट में कंपनी ने पिछले साल एंट्री की थी और अपना पहला टैबलेट पेश किया था। ओप्पो पैड 2 के साथ कंपनी अपना अगला एडिशन इस सेगमेंट में पेश करने जा रही है, जिससे अब गिगबेंच पर पोस्ट किए जाने की खबर आ रही है। बेंचमार्क साइट की इस लिस्टिंग में टैबलेट के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी पता चला है, तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। पिछले साल कंपनी ने ओप्पो पैड को लॉन्च किया था और यह अपकमिंग टैबलेट उसी का सक्सेसर बताया जा रहा है। लेटेस्ट टैबलेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और साथ ही इसमें 8 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। इस डिवाइस को कंपनी ने एंड्रॉइड 13 ओएस के साथ पेश कर सकती है। टॉप पर इसमें कलर ओएस 13.1 की स्क्रीन देखने को मिल सकता है। ओप्पो पैड 2 के अन्य स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 8GB की रैम बताई गई है और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है और यूएसबी टाइप सी पोर्ट को सपोर्ट करता है। और इसकी लीक से ये भी पता चला है कि ओप्पो पैड 2 में 11 इंच की स्क्रीन होने की बात की जा रही है। ओप्पो पैड 2 में 9500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है, जो कि 67 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सो फ्रेंड्स, इस पैड की स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को कैसे लगी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।